नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी जो वैकेंसी आई हुई है कांस्टेबल के लिए, उसके लिए हम आपका हिंदी का सिलेबस लेकर आए हैं, जिसको आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इतना सारा सिलेबस है, इसमें इतना सब कुछ दिया हुआ है, इतने कम समय में कैसे कवर अप हो पाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पर डे हम आपको वीडियो शेयर करेंगे, जिसमें आपको टॉपिक वाइज हर टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। और आप उस वीडियो को देखते रहिए, आपकी ये आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आप जैसे कि हिंदी का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले टॉपिक है आपकी वर्णमाला, यानी कि वर्णमाला, हिंदी की जो वर्णमाला है उसको किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कहाँ पर कौन से अक्षरों को रखा गया है, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में जानेंगे। और उनसे ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर वैकेंसी में आते हैं और जिन्हें आप आसानी से सॉल्व करेंगे। और दूसरा आपका टॉपिक है संधि, संधि यानी कि संधि हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और ट्रिकी मेथड से, जिससे आप संधि को देख के तुरंत पहचान जाएंगे और आपके क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। समास, समास भी हम आपको ट्रिकी मेथड से बताएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उसको गंभीरता से लीजिए और उनको समझिए। चौथा टॉपिक है आपका उपसर्ग, उपसर्ग, फिर उसके बाद आते हैं प्रत्यय, फिर आएंगे उद्भव, तत्सम, सॉरी, फिर आएंगे तद्भव और तत्सम, फिर आएगी वर्तनी, फिर पर्यायवाची। वर्तनी यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको निकालनी है कि कहाँ गलती है, फिर उस गलती को पहचानना है। जैसे कि चार आपको ऑप्शन दी है, उसमें पूछा गया कि शुद्ध वाक्य कौन सा है या फिर अशुद्ध वाक्य कौन सा है, उस पर आपको टिक करना है। फिर आएंगे पर्यायवाची, और पर्यायवाची जो आते हैं ज्यादा सिमिलर आते हैं, जो आपको पढ़ने में एक जैसे लगेंगे लेकिन उनके जो अर्थ होंगे वो अलग अलग होंगे। तो आपको सही तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप अच्छे तरीके से उन पर आपको पहचान सकें। फिर विलोम शब्द, इसमें है फिर अनेकार्थी, जिनके अनेक अर्थ हों। फिर आएंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक वाक्य दिया जाएगा उस वाक्य के लिए एक शब्द होगा, उस पर आपको टिक करना। फिर समरूपी भिन्नार्थ शब्द, जो पढ़ने में तो आपको एक जैसे लगेंगे लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। जैसे जैसे कि समरूपी भिन्नार्थ शब्द जो देखने में आपको एक जैसे लग रहे हैं, या मात्रा का अंतर होगा, या एक किसी भी मात्रा का, जैसे कि आखी डंडा ही लगाओ उसका अर्थ होगा, लेकिन पढ़ने में तो आपको सेम लगेंगे लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि आएगी कि आपको 4 वाक्य दे दिए गए, इसमें अशुद्ध कौन सा है टिक करिए, या शुद्ध कौन सा है टिक करिए। फिर आएंगे संज्ञा, संज्ञा है, संज्ञा के भेद होते हैं, उन भेदों को मैं आपको पढ़ाऊंगी कि किस कितने भेद होते हैं। और फिर जैसे कि वाक्य आ गया, ये किस प्रकार की संज्ञा है बताइए, सर्वनाम। फिर लिंग वचन कारक, लिंग वचन और कारक यानी कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, 3-4 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। और फिर वचन, एक वचन है, मतलब कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके वचन लगाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो उनको मैं पढ़ाऊंगी या उनकी पूरी लिस्ट बनाऊंगी, आप उनको रिव्यू कीजिए और तो आपको पता चल सकेगा ये किस वचन में आते हैं। क्रिया है, क्रिया के बारे में, फिर विशेषण, फिर काल, वाच्य, अव्यय, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उनको भी पढ़ाया जाएगा, उनसे आप किस उसमें सेंटेंस में कौन सा विराम चिन्ह लगा है ये आप पता करेंगे। फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरों का अर्थ बहुत आता है पूछने के लिए कि एक मुहावरा दे दिया जाए आपको कि इसका अर्थ क्या होगा, लोकोक्ति जाए इसका अर्थ क्या होगा। और आप एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं वो लगभग मिले जुले से दिए जाते हैं, जिससे कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। तो प्रैक्टिस, आप जितना ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको आएंगे। फिर रस है, छंद है, फिर अलंकार, ये सारे टॉपिक एक एक करके आपको सब पढ़ाया जाएगा। बस बशर्ते आप इस चैनल से जुड़े रहिए और एक एक टॉपिक पर जो वीडियो बनना है उसको देखते रहिए और शेयर करते, अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। उसके बाद हिंदी के महत्वपूर्ण कवि एवं रचनाएं और पुरस्कार,
इसमें थोड़ा सा ही लिखाएंगे, ज़्यादा नहीं लिखाएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं कभी उनकी रचनाएं होती हैं वही ज़्यादातर पूछी जाती है, वही आपको पढ़ाया जाएगा। और जो अपठित गद्यांश, बिना पढ़ा हुआ गद्य आएगा आपको, उसमें से क्वेश्चन छांटने हैं आपको, 4-5 क्वेश्चन होते हैं उसमें, वो भी ज़्यादा टफ नहीं आता है, आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब जो कि ये जो आपका सिलेबस है, ये आपका 20 से 25 मैक्सिमम 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे एक एक टॉपिक वाइज लेके। तो सबसे पहले हम आज आपको वर्णमाला के बारे में बताएंगे। ये आप नोट कर लीजिए, किसी भी टॉपिक को समझना, पहले आप उसको समझिए, फिर उससे संबंधित प्रश्नों को जरूर सॉल्व कीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी कि आप उन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। और कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हम आपको यहाँ कराएंगे और वैसे ही आपको परीक्षा में लिखे हुए मिलेंगे, रत्ती भर भी उनमें अंतर नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले हमारा टॉपिक है वर्णमाला। हमने आपको बताया कि हम वर्णमाला पढ़ाएंगे, लेकिन वर्णमाला से पहले हम आपको हिंदी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे। हिंदी, हिंदी शब्द, हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा का है? तो हिंदी शब्द मोस्टली लोग कहते हैं कि हिंदी शब्द हिंदी का ही होगा जब हिंदी में है, तो नहीं, ये जो हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का है। फारसी भाषा का है और भारत में जो भी जितनी भी भाषाएं की उत्पत्ति हुई है उन सब की जननी संस्कृत को माना जाता है। मतलब जो भी भाषाएं हुई हैं भारत में, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ऐसे ही पॉइंट आपको रखे मिल सकते हैं वहां पर, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत है यानी कि सबसे पहले हमारे यहाँ आर्यों के द्वारा संस्कृत भाषा को बोला जाता था। उसके बाद जो हिंदी का विकास क्रम है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास क्रम, ये बहुत पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले संस्कृत थी, सबसे पहले, उसके बाद ऐसा होता है कि जो कुछ समय के बाद कुछ चेंजेस आते हैं भाषा में हो व्यक्ति में हो, इसी प्रकार जैसे कि पहले संस्कृत बोली जाती थी लेकिन थोड़े समय के बाद उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, तब पाली भाषा हुई, फिर थर्ड नंबर पर प्राकृत, प्राकृत भाषा हुई, फिर चौथे नंबर पर अपभ्रंश भाषा हुई। पांचवें नंबर पर अवहट, उसके बाद कहीं जाकर हमारी हिंदी आई जो अब तक है। इसमें भी हिंदी में आपने देखा होगा
जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो कुछ शब्द पहले कुछ बोले जाते थे लेकिन उनको परिवर्तित करके अब कुछ और बोले जाने लगा है। तो जो हिंदी भाषा का विकास क्रम है, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट और फिर अब जाकर हिंदी हुई है। अब हिंदी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। हिंदी का शाब्दिक अर्थ हिंद की भाषा होता है। हिंद की भाषा, हिंद की भाषा अथवा हिंद के भाषी, हिंद के वासियों द्वारा द्वारा बोले जाने वाली भाषा। जाने वाली भाषा यानी कि जो फारसी लोग थे उन्होंने हिंदी फारसी में हा को शा बोला जाता था। हा को क्या बोला जाता था? शा। तो इसलिए पहले हफ्ता आपने सुना होगा, हफ्ता बोला जाता था। कुछ लोग अभी भी मानते हैं हफ्ता और सप्ताह में अंतर होता है, लेकिन नहीं, फारसी भाषा में जो शा होता था उसको हा बोला जाता। तो सिंध से हिंद बना, सिंधु से हिंदू बना। अब हम कुछ पॉइंट और जानेंगे हिंदी भाषा के बारे में कि हिंदी हमारी, आज भी लोग कंफ्यूजन है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपने नोट कर लिया होगा। हिंदी के बारे में लोग अभी भी ये मानते हैं कि हमारी, कुछ लोग अभी भी मानते हैं राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। अब राजभाषा क्या होती है? राजभाषा राजभाषा को सरकारी भाषा के नाम से भी जाना जाता था। राजभाषा को सरकारी भाषा के नाम से भी जाना जाता। कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, तो ज्यादातर लोग लगा के आते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। अब हिंदी भाषा को चौदह सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया, भाषा का दर्जा दिया गया। उसी दिन से, जिस दिन से हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला, उसी दिन से हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस।
प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था हमारी सरकार ने। तो हिंदी दिवस लिख लेंगे, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिंदी दिवस। चौदह सितंबर ये पूछे जाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका 10 जनवरी को। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस इक्कीस फरवरी को। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस याद रखेंगे और हिंदी भाषा के बारे में हम इतनी जानकारी को याद रखेंगे, इससे एक क्वेश्चन तो जरूर आता है हर बार। अब इसके बाद ये टॉपिक हमारा हिंदी का कवर हुआ, इसके बाद हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट्स अवश्य बनाइए क्योंकि वीडियो तो आप देखकर भूल भी जाएंगे और एग्जाम टाइम में आपके नोट्स ही काम आते हैं, तो नोट्स अवश्य बनाइए जो भी लिखते जाए। और नोट्स बनाने से एक बात ये भी होती है कि हमको साथ के साथ याद होते चला जाता है, जो भी हमने लिखा है सब याद हो जाएगा और हम जब एग्जाम टाइम जा रहे होंगे एग्जाम देने, उससे पहले अगर हम एक बार रिवीजन कर लेंगे तो हमें फिर से रिव्यू हो जाएगा। इसलिए नोट्स अवश्य बनाइए और ध्यान रखिए कि आप उनको अपने हाथों से ही बनाएं और पढ़ते रहिए। अब हम हमारा टॉपिक होगा वर्णमाला। अब स्टार्ट हम करेंगे जो वर्णमाला का टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। जो कि हमारे सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है वर्णमाला। सबसे पहले वर्णमाला को जानने से पहले हम देखेंगे वर्ण क्या होता है। वर्ण जो कि जो हमारी भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई जो लिखित इकाई है वो है वर्ण। क्या है? वर्ण। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसे हम लिख सकते हैं, लिखित इकाई वर्ण है। देखिए वर्ण कोई भी हो, चाहे स्वर हो व्यंजन हो, जैसे कि हमने आ लिखा, इससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता ना, तो ये सबसे छोटी है। इससे ही हमारा आमान शब्द बना, शब्दों से फिर हमारे वाक्य बनते हैं, वाक्य से फिर हमारे पैराग्राफ बनते हैं। इस वजह से भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण। अब हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला, अब वर्णमाला को हम दो भागों में बांटेंगे, जैसे कि लेखन के आधार पर
जिन्हें हम लिख सकते हैं लेखन के आधार पर। तो लेखन के आधार पर हमारे 52, कितने वर्ड हैं? 52 वर्ड हैं। और उच्चारण के आधार पर, यहाँ पर होता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हमारे होते हैं 44। ठीक है, अब जो ये 52 लिखे हुए हैं लेखन के आधार पर, उनमें किस किस तरीके से है? पहला स्वर, स्वर हमारी गिनती में कितने होते हैं? 11। दूसरा स्पर्श व्यंजन, स्वर तो हो गए, उसके बाद हमारे जो बचे हुए हैं वो सारे व्यंजन हैं, लेकिन व्यंजनों को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, तो ये डिवाइडेशन मैं यहाँ कर दे रही हूँ, उनकी संख्या भी लिख रही हूँ, कौन से कितने होते हैं संख्याएं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके 25। तीसरा है आपका संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? जो अक्षर दो अक्षरों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्ताक्षर बोलते हैं, इनकी संख्या होती है 4। अब आपका आता है द्विगुण, द्विगुण, द्विगुण होते हैं आपके दो, द्विगुण क्या होते हैं? जिनमें दो व्यंजनों के, दो वर्ण के गुण हो, उनको द्विगुण बोलते हैं। अब आपका आता है 5वें नंबर पर अयोगवाह, इनकी संख्या भी दो होती है। 6वें नंबर पर अंतस्थ, इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन, लास्ट है आपका ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे और जोड़ने पर हमारा यहाँ पर 52 ही आएगा। इस तरीके से आप देख लीजिए इसको, इस तरीके से अब एक एक करके आपको पढ़ाया जाएगा कि स्वर कितने हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं। इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 बार हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से जो व्यंजन है वो द्विगुण है, कौन से संयुक्ताक्षर हैं, या कौन से स्पर्श हैं, कौन से अंतस्थ है, कौन से वाले ऊष्म व्यंजन है। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अब ये है इनको स्वर उच्चारण के आधार पर 11 होते हैं, व्यंजन, व्यंजन आपके 33 होते हैं। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। अब हम एक एक करके स्वर क्या होता है, सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे, ये आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन करिए अवश्य, इसको हम इरेज कर देते हैं। स्वर क्या होता है हमारा, स्वर क्या होता है, पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर जिसके बोलने में हमें किसी और अक्षर की जरूरत ना पड़े वही स्वर है। जैसे कि आप देखेंगे आ बोलते हैं, अ, केवल आ हमने बोला है और किसी स्वर को नहीं जरूरत पड़ी उसमें। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जाए उसी को स्वर कहते हैं, जो वर्ण ऐसा वर्ण
वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उसे स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे अ आ इ ई उ उ ए आई ओ आओ। ये सब आपके स्वर है, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनके लिए किसी भी दूसरे वर्ण की हमको आवश्यकता नहीं होती। इनकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। अब एक क्वेश्चन और, यहां उच्चारण के आधार पर ये क्वेश्चन आता है, नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या दस होती है। दस क्यों होती है? इसमें री जो आपका ऋषि ऋषि होता है वह नहीं होता है। इसमें जो उच्चारण के आधार, अब लेखन के आधार पर आपसे पूछा जाए तो उनकी संख्या 11 होगी। जैसे लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है, स्वरों के लेखन के आधार पर अगर पूछा जाए तो 11 है, और उच्चारण के आधार पर अगर पूछा जाता है तो 10 है। ये आता है, इसमें कंफ्यूजन ना हो आपका। अब अयोगवाच जो होते हैं इसमें, जैसे कि एक पॉइंट हमें दिखा दीजिए कि अयोगवाच, अयोगवाच जो होते हैं वो ना तो स्वर होते हैं और जो वर्ण ना तो पूरी तरह स्वर होते हैं ना ही पूरी तरीके से व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाच कहा जाता है। जो ना पूरी तरह स्वर है ना व्यंजन, जैसे कि ये दोनों आपके अयोगवाच है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों के प्रकार, ये आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।
स्वर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। उनकी कैटेगरी डिवाइड की गई है कि स्वर तीन प्रकार के होते हैं। स्वर हम पढ़ेंगे, स्वरों के प्रकार। तो ये स्वर तीन प्रकार के होते हैं, स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका आएगा जिसको हिश स्वर या मूल स्वर, दूसरा आपका आएगा धीर्घ स्वर। अब जो धीर्घ स्वर है उसमें भी अंदर कैटेगरी है, हम आपको बताएंगे कि जैसे कि साधारण स्वर, जैसे कि साधारण स्वर, साधारण धीर्घ स्वर, ये हम आपको लिखा देंगे कौन कौन से स्वर किसमें आते हैं, इनके आगे मैं नोट डाउन करा दूंगी। जैसे कि अब बी, बी आपका आता है मिश्रित विकृत पब्लिक है, एक ही के ये तीन सारे नाम है स्वर। और जो तीसरा आपका आता है दूसरे ही है, इसी का एक और नाम है संयुक्त। अब जो आपका लास्ट है यहाँ पर थर्ड नंबर पर प्लुत स्वर, तो इस तरीके से स्वरों को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, हिश स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब इनकी आगे मैं लिख देती हूँ जिनको बोलने में मूल स्वर होते हैं, जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, वो हिश आपसे इतना ही पूछा जाएगा हिश स्वर कौन कौन से हैं। तो अब ये है, तीन ही है, मतलब इनको बनाने में किसी और की आवश्यकता नहीं होती। अब ये है साधारण दीर्घ स्वर, साधारण दीर्घ स्वर है आपके आ, ई और उ। अब आप कहेंगे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, क्यों इनको इस कैटेगरी में रखा गया है, क्यों इन इन स्वरों को इस कैटेगरी में रखा गया है। तो इसका सीधा सा है कि ये जो आ है केवल छोटा है, अपने आप में ही पूर्ण है, लेकिन ये जो है ये किससे बना हुआ है, आपका दू अ प्लस अ, तब अ प्लस अ हो गया आ। ये जो है ई प्लस ई, इन दोनों को जब मिलाया है तब ये बनी है ई, और ये है उ प्लस उ, इन दोनों को जब मिलाया गया है तब ये बना है। अब इसमें क्या है, मिश्रित विकृत सांध्य और संयुक्त स्वर, इन इन स्वरों इसकी कैटेगरी में कौन कौन से हैं, तो इसमें है इसके जो बच गए, जैसे कि ए आई ओ आओ
ये सारे इस कैटेगरी में आएंगे। अब आप कहेंगे ये इस कैटेगरी में क्यों आए हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब आप संधि करेंगे तब ये अक्षर मिलके बनते हैं, ये वाला अक्षर बनेगा, ये भी अक्षर बनेगा, ये और ये इनका जो मेल होता है वो समान वर्णों से नहीं होता है, असमान वर्णों से, अलग अलग वर्ण मिलकर ये बनाते हैं। ये जब हम आपको संधि पढ़ाएंगे तब हम अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। प्लस स्वर इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, ये डायलॉग गाने वगैरह जो गाए जाते हैं उसमें इसका यूज होता है। जैसे कि हम ओम लिखते हैं, तो ये जो एस बना हुआ है, यही है प्लस। तो ये जो मैंने पढ़ाया हुआ है इतना आपको स्वरों के बारे में, इसके बाद आपके स्वर कंप्लीट हो जाते हैं और इसके बाद हम व्यंजनों पर चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको हिंदी के बारे में बताया और वर्णमाला में स्वरों तक आपको मैंने पढ़ाया है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, उनकी क्या क्या कैटेगरी हैं। तो आप इतना याद कर लीजिए, समझ लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए और इसके बाद अब हम आपको व्यंजनों के बारे में पढ़ाएंगे।